हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों जैसे जैसे नीट काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं आप में से, उनके पास काफ़ी सारे फर्जी कॉल्स और फर्जी जो नोटिसेज है, एडमिशन के लेटर्स जो है पब्लिश किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर गाइस आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ऐसा एक मामला NMC के पास भी आया जिसने इसके रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। क्या है पब्लिक नोटिस में, इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप ये पब्लिक नोटिस देख सकते हैं। अभी पब्लिक नोटिस किस तरीके रिगार्डिंग जारी किया गया है पहले आपको बता देता हूँ। तो गाइस एक कैंडिडेट है जिसको किसी ने जो है फर्जी NMC के नाम से एक अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था कि आपको जो है सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू, नॉमिनेशन के थ्रू जो है MOPAV राउंड में इस मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट किया जाएगा, ठीक है, NMC के नाम से। तो NMC ने इस पर क्लेरिफिकेशन दिया है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या अलॉटमेंट लेटर हमने जारी नहीं किया गया और ये फेक है, ठीक है ना। तो आप जो है इसका ध्यान रखें सभी लोग। आपको इसने अटैच भी किया है वो जो अलॉटमेंट लेटर है जो कि NMC के पास पहुँचा है, ठीक है। तो आप ये अलॉटमेंट लेटर देख भी सकेंगे कि आप देख सकते हैं कि इनको सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू इस मेडिकल कॉलेज में MOPAV राउंड में सीट अलॉटमेंट देने का ये नोटिस था, ठीक है। तो ये सब एक फेक है और आप सभी को भी इससे सबक लेना चाहिए कि ऐसे किसी भी जो अनऑथोराइज पर्सन है या कोई भी काउंसलर है, आपका एजेंट है, वो ऐसे वादा करता है कि आपको सेंट्रल पूल कोटा के थ्रू एडमिशन दिला देगा, आपको इस तरह से एडमिशन दिला देगा, उससे बचकर रहें। कुछ दिनों पहले आपको पता है MCC ने भी इसी तरह का एक नोटिस जारी किया गया था, इसमें साफ साफ लिखा था कि MCC कोई भी नॉमिनेशन के थ्रू सीट अलॉट नहीं करता है किसी भी कैंडिडेट को। सेंट्रल पूल कोटा का अलग प्रोसेस होता है, उस पर आप चाहेंगे तो एक वीडियो डिटेल में बना दूंगा। लेकिन ये जो सेंट्रल पूल कोटा की जो सीट्स होती है वो NMC नहीं, कंसर्न जो मिनिस्ट्री होती है वो जारी करती है अलॉटमेंट का, ठीक है। तो ये सब फेक जो कॉल्स है और ये जो फेक नोटिसेज है, अलॉटमेंट लेटर जो एजेंट्स आपको या फिर जो भी अनऑथराइज एजेंसी पर्सन आपको जारी करते हैं, उनसे बचकर रहें, ठीक है, क्योंकि आपका मॉनिटरी नुकसान होगा, ठीक है। साथ ही आप जो है उसमें आ जाओगे, ठीक है, खुद आपका नुकसान होगा, आप फंसोगे, है ना। इसलिए प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचकर रहें। और नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं समय समय पर आप सभी को ऑथेंटिक अपडेट देता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो बस अभी इन्फॉर्मेशन यही देना था गाइस, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, सभी अपडेट्स वहाँ पर भी मैं देता रहता हूँ। कंप्लीट आपको एडमिशन तक गाइडेंस देता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी यही अपडेट देना था, आप सभी अपना ध्यान रखें इस चीज़ का। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।